पाकिस्तान में मसूद अजहर एक खूंखार आतंकी की हत्या की खबर अब सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से ये खबर हमें मिल रही है, अज्ञात लोगों ने मसूद अजहर को बम से उड़ा दिया है। कंधार प्लेन हाईजैक का मास्टरमाइंड था मसूद अजहर और पाकिस्तान के भावलपुर से वापस लौटते समय उसकी हत्या की गई है। नाम है उसका 72 उम्र वाले का मसूद अजहर। बात हम करेंगे जी एक बार फिर मौलाना फजलुर रहमान जी बल्कि मौलाना मसूद अजहर की। जी हाँ, मौलाना मसूद अजहर जो कि इंडिया में भी वांटेड है और जिसके बारे में कहा जाता है कि टेरर ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, पता नहीं मेरे मुझे अभी तक ये भी कंफर्म नहीं है, मगर ये है कि कार में कह रहे हैं कि कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और जिसमें कि मसूद अजहर जो है वो मारा गया है। शुड बी बी रियली रियली अलार्म्ड, या ये ठीक है कुछ हद बाद हालात ठीक हो जाए? आपके मेरे ये व्यूअर्स के अलार्म होने से कुछ होगा नहीं सर। ये मसूद अजहर बालाकोट की स्ट्राइक के बाद अब तक ना इसकी क्लिपिंग आई है ना इसका वीडियो आया। अनुमान ये है कि बालाकोट की जिस दिन स्ट्राइक हुई उसी दिन ये जल के खाक हो गया और इसकी राख वहां की मिट्टी में मिल गई, क्योंकि वहां तो कोई बचा ही नहीं ना, स्पाइस बॉम्ब यूज किए थे, मैं भी बम धमाका हो जाता। तो अब 99% या तो पहले बम धमाके में मरा था जब हमने स्ट्राइक की थी, अगर कुछ कटा फटा बच भी गया होगा तो जो दूसरा धमाका हुआ उसमें ही मर गया। क्योंकि इस खत्ते में हमले शामले आपको पता है, उसकी जो टेरेन है इस तरह का है। अगर आपको याद हो कि एक इस तरह के बहुत सारे वाकयात हुए, डोंट वांट टू गो इनटू दोस पुलवामा एंड ऑल दैट, ठीक है जी। जो फौज के खिलाफ सारी कंपेन चलाई तो उसमें क्या हुआ, लोगों ने क्वेश्चन मार्क कर दिया, उन्होंने कहा जी ये तो फौज लड़ने वाली नहीं है, ये तो फौज लड़ेगी नहीं, ये तो लड़ ही नहीं सकती। अब मौका आ गया, मोदी ने 370-35 वो कर ले, तुम लड़ो ना देना, कश्मीर हमने ऐसे लेना है। अब हमने अपने अवाम की जेन साजी की हुई है। जय हिंद दोस्तों, खुखार आतंकी मकसूद अजहर को जो है बम धमाके में पाकिस्तान के अंदर मार दिया गया है। पाकिस्तान का मीडिया में ऐसे चर्चा चल रहा है जिस तरीके से वो मकसूद अजहर को अनजान लोगों ने जो है बम धमाके में मार दिया। सुबह 5 बजे जो है ये सोमवार के दिन जो है ये बहुत ही बड़ा जो है नए साल पर ये खुशखबरी भारतीयों को मिला है, क्योंकि भारत का ये मोस्ट वांटेड था मकसूद अजहर और बहुत सारी क्राइम एक्टिविटी में इसका हाथ था। जिस तरीके से मालूम है कि उसका एक डायलॉग भी था कि हम भारत को मरते दम तक जो है सताते रहेंगे इस तरह का, तो उसके लिए भारत ने उसे वांटेड भी और यूएन द्वारा दो देशों द्वारा जो ये वांटेड घोषित था। और कल इसके किसी ने फरकच्चे उड़ा दिए हैं बम धमाके में, इसके चिथरे चिथरे उड़ा दिए हैं, इसके हाथ पाँव कुछ मिला ही नहीं और लोग पाकिस्तान के हैरान हो गए हैं। पाकिस्तानी मीडिया में इसका खूब चर्चा चल रही है। पाकिस्तान के अंदर आए दिन कुछ दिनों से जो है अननोन गनमैन अज्ञात आदमी जो है पाकिस्तान के अंदर भारत के दुश्मन को मार रहे हैं। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जिससे हम यहां से शुरुआत करना चाहते हैं, मसूद अजहर मारा गया है। जी हां, ये खबर इस वक्त आ रही है, हालांकि पाकिस्तान की तरफ से उसकी पुष्टि नहीं की गई है, जिसके हम उम्मीद भी नहीं करते क्योंकि पाकिस्तान तो जाहिर सी बात है इस एम्बेसमेंट से बचना चाहेगा। मसूद अजहर मारा गया है सूत्रों के मुताबिक, और सुबह के 5 बजे बताया जा रहा है। अब ये नहीं पता कि ये खबर कहाँ तक सही है, लेकिन बहरहाल ये न्यूज़ एक सोशल मीडिया पे चल रही है, कई वेबसाइट्स ने ये न्यूज़ उठाई है और कहा ये जा रहा है कि मौलाना मसूद अजहर जो है वो मारा गया है। कि फौज हमने कश्मीर के लिए रखी हुई है, इंडिया से कश्मीर लेना है, ऐ करना है, वो करना है, तो देन वो फिर लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। एंड देन व्हेन मिलिट्री कॉल्स फॉर डायलॉग, मिलिट्री डिप्लोमेसी की बातें होती हैं, ठीक है, कश्मीर भी हाथ से निकल गया और वो जो स्टेटस बदला, मैं ऑब्वियसली टेक्निकली तो ना इंडिया पाकिस्तान वाला कश्मीर का 1 इंच ले सकता है, ना पाकिस्तान इंडियन कश्मीर का 1 इंच ले सकता है, विच इज़ अ रियलिटी। सो रादर गेटिंग इनटू ऑल दिस, ये मैसिव फंड पैसा जो जा रहा है सिक्योरिटीज में, बैठ के बात करें और चीज़ों को रिजॉल्व करें एंड देन मूव ऑन करें, ठीक है। लेकिन हमने क्योंकि पिछले 70-75 साल से लोगों का दिमाग जेन साजी की हुई है कि यार ये जो कश्मीर है हमने फौज ने इसलिए रखी हुई है, तो वो जो फौज है आज वो पता चल रहा है कि भाई उसके लिए तो ठीक है, हमने इंडिया के लिए और कश्मीर के लिए फौज रखी हुई है, बट द क्वेश्चन रिमेन्स के अब करना क्या है, ठीक है। सो हमें इस चीज़ की अब मार पड़ी, हम जो कश्मीरी बेचारे हमारे साथ हैं वो उधर उनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो यूनिवर्सिटियाँ नहीं है, वो कॉलेज नहीं है, सारा टाइम हम उनको एक ही चीज़ कर रहे हैं, इंडिया एन जी फलाना है, एन जी ऐसा वो करना है, सारा टाइम नेशनल टाइम वेस्टेज हो रही है। हम वो अपनी एक्टिविटीज़ में इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, हम फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट कर सकते, हम बहुत कुछ कर सकते थे यार, अगर जस्ट इमेजन इफ़ इंडिया
इज नॉट पाकिस्तान एनिमी एंड इफ कश्मीर इज नॉट एन इशू तो मसले को नहीं. सो हमने अपना सारा कुछ कश्मीर को दे दिया. जस्ट इमेजिन जस्ट फॉर अ मोमेंट मैं एक 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 मिसाल दे रहा हूँ आपको. आप इस चीज़ को सोचें कि आपका इंडिया दुश्मन नहीं है और कश्मीर मसला कोई नहीं है. पाकिस्तान का क्या मसला था? कोई भी नहीं. हमसे एक ही गलती होनी थी ना, हमने अमेरिका के करीब जाना था, ना हमने डिफेंस अपना बढ़ाना था, ना बड़ी फौज होनी थी, ना स्ट्रेटिजिक एसिमेट्री होनी थी, ना स्ट्रेटिजिक ना फाइनेंशियल इकोनॉमिक एसिमेट्री होनी थी, ना हमने डरना था, ना हमने न्यूक्लियर वेपन बनाना था, ना हमने कुछ करना था, कुछ भी नहीं करना. ठीक है, दैट वुड हैव बीन गुड फॉर अस दैट एट द एंड ऑफ द डे अगर हम इकोनॉमिक पाथ पर चले जाते हैं, लोगों की इकोनॉमी बेहतर होती. आज 2023 में पता चल रहा है ना कि पैसे होने चाहिए देने को, जिसे कोई पैसे ने गेम दे दी. लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये कंफर्म न्यूज़ नहीं है, वैसे कंफर्म न्यूज़ आएगी भी नहीं अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से या किसी तरफ से इस बात को बताया जाएगा या ये खबर निकलेगी, तो ऐसा मुझे नहीं लगता. हो सकता है हो जाए, होने का कुछ भी हो सकता है, चमत्कार भी होते ही आखिर. ऐसा नहीं है कि कुछ कोई चीज़ भी इम्पॉसिबल नहीं है. तो फिर जाहिर है कि ये चीज़ भी जो है वो हो सकता है कि कंफर्म हो जाए किसी तरीके से. लेकिन फिलहाल ये एक अनकंफर्म न्यूज है. कई वेबसाइट्स जो है सोशल मीडिया पे, कई इंडियन वेबसाइट्स भी हैं और कई पाकिस्तानी वेबसाइट्स हैं जिन्होंने इस खबर को उठाया है और उनका कहना ये है कि मौलाना मसूद अजहर जो है वो पाकिस्तान में मारा गया है. लेकिन ये खबर कहाँ तक सही है ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा. और जो लोग अभी इस खबर को लेकर बहुत दुखी हो रहे हैं और बहुत परेशान हो जाएंगे और कहेंगे कि जी ऐसे ही फेक न्यूज है और ऐसे ही न्यूज है, तो उनके लिए मैं ये कहती चलूं कि जो पहले न्यूज थी उसको भी अभी तक कोई फेक साबित नहीं कर सका. मरा ये भारत के सर्जिकल स्ट्राइक में ही है 99% या उसके बाद जो धमाका हुआ 199% तो वही मरा. अब ISI डिक्लेयर क्यों कर रहा? पैसे चाहिए, हिंदुओं पर नजर है और कहीं ना कहीं मोदी जी पे ये प्रेशर बनाओ मिडिल ईस्ट से, इधर उधर से आप नवाज शरीफ से बात करो. नवाज शरीफ को पाकिस्तान में लाने का मतलब है बात करो, दोस्ती करो, पैसे लाओ. वो कहते हैं ना एक हाथ में वो डॉलर और ड्रैगर डिप्लोमेसी, एक हाथ में डॉलर एक हाथ में ड्रैगर. सामने से हमें दोस्ती करनी है, हमसे दोस्ती कर लो हम सुधर गए हैं. सर कुत्ते की दुम कभी नहीं सुधरती, नहीं ये सुधरेंगे. और मैं जो आज आपको एक और चीज बता दूं, आज जयपुर डायलॉग के माध्यम से मैं मेजर साहब को अस्सलाम वालेकुम भेजना चाहता हूं. मेजर साहब अस्सलाम वालेकुम. ये पाकिस्तान में एक व्यक्ति है संजय सर, ये यूट्यूब चैनल चलाता. अब ये मत पूछिएगा मेल है फीमेल है मुझे नहीं पता. ये ISI का मेजर है, ये ISI का मेजर है, वर्किंग मेजर है और ये यूट्यूब चैनल चलाता. तो मेजर साहब को मैं अस्सलाम वालेकुम भेज दूं. मेजर साहब ऐसा नहीं कि हमें पहले नहीं पता था, हमें भी पता था. आप सोचते थे आप हमारे साथ खेल खेल रहे हैं, हम आपके साथ खेल खेल रहे हैं, तो इस खेल खेल के खेल में कौन किसके साथ खेल खेल गया? कभी अपने छोटे दिमाग पर जोर डाल के अध्ययन कर दीजिएगा. मतलब हमारा तो खैर हमने तो अध्ययन कर ही लिया. और आपको एक और इसके बारे में एक एग्जांपल दे दूं, एक हिंट दे दूं. इस मेजर साहब के पास, जो इसको पास से जानते हैं, इसके पास हमेशा ग्लॉक की पिस्टल कैरी करता अपने साथ, ग्लॉक की पिस्टल हमेशा रखता अपने साथ. तो मेजर साहब अस्सलाम वालेकुम, हम आपको पहले से जानते थे, आपके दाएं बाएं जितने लोग हैं उनको भी पहचानते थे. बट ये है कि ठीक है, कुछ काम आप भी देश के लिए करते, कुछ काम हम भी देश के लिए करते, वो इंपॉर्टेंट नहीं है. बट ये जो आप मुखोटा ओढ़ के बैठे हो, ये इधर उधर का इधर उधर, हमें सब पता है, भारत को सब पता है. मतलब तुम्हारी मिस्ट्रेसें कितनी हैं, तुम्हारी गर्लफ्रेंडें कहाँ कहाँ हैं, वो भी हमें पता है. और मिशन 7 क्या है ये भी हमें पता है. मिशन 7 तुम्हारा क्या था? मिशन 7 वाले को बता रहा हूँ भाई, तेरा मिशन 7 हमें पता क्या है. तो इसीलिए और बाकी भी और चीजें, पर वक्त आने पे हम धीरे धीरे करके सब चीज बोलेंगे. क्राइम एक्टिविटी में इसका बहुत ही बड़ा हाथ था. ये जो है आतंक गिरोह का संगठन का मेंबर भी था और आपको मालूम होगा कि UN और भारत द्वारा घोषित गया था. ये घोषित हुआ था कि ये वांटेड क्रिमिनल है क्योंकि भारत में एक्टिविटी किया था. भारत से पाकिस्तान से कुछ लोग जो है पहले इसको छुड़ा भी ले गए थे धोखे से. लेकिन अब किसी अज्ञात आदमी के हमलावर के वजह से जो है इसके परखच्चे उड़ा दिए गए हैं पाकिस्तान के अंदर. इसका जो है जो शौक सा माहौल चल रहा है, लोगों के अंदर मातम सा माहौल छा रहा है क्योंकि पाकिस्तानी जो है वो सब आतंकी संगठन के जो लोग हैं उनको अंदर अपने छुपा के रखे हुए, क्योंकि पाकिस्तान में जो है आए दिन लोग जो अज्ञात हमलावर है जो पाकिस्तान के अंदर जो बैठे हुए हैं भारत के दुश्मन वांटेड क्रिमिनल, उन्हीं लोगों को वो टारगेट बना रहे हैं आए कुछ दिनों से, जो है एक दो महीने से. ये करके जो है सबका सफाया हो रहा है. कोई को जहर दे के मार दिया जा रहा है, कोई को गोली से उड़ा दिया जा रहा है, कोई के जो है
बम धमाके से उड़ा दिया जा रहा है, तो कोई को किडनैप किया जा रहा है। इस तरह का जो है वारदात लगातार जो है कुछ महीनों से पाकिस्तान के अंदर चला है, और उसी लोगों को मारा जा रहा है जो भारत के क्रिमिनल वांटेड में जो शामिल है। अभी तक इस बात को लेकर के पाकिस्तानी मीडिया चाहे उसके वहाँ की एजेंसियाँ पता नहीं लगा पा रही है कि आखिर में आदमी कौन है, जो अज्ञात आदमी हमलावर कौन है जो पाकिस्तान के अंदर घुस कर इतने बड़े बड़े जो है काम को अंजाम दे रहा है। इस तरह का अभी वारदात कुछ दिनों से लगातार होता आ रहा है, लेकिन इस पर पाकिस्तानी मीडिया भी कोई बात को खुलासा नहीं कर पा रही है, ना कि वहाँ की पाकिस्तानी एजेंसियाँ भी नहीं कोई खुलासा कर पा रही है। इस तरह का वारदात हुआ है, आपको मालूम होगा कि आए दिन कुछ न कुछ जो है पाकिस्तान में होता रहता है बम धमाके से